अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है जज एंड मजिस्ट्रेट। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज, जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है। देखिए, एक होता है सिविल जज और एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, अगर सिविल जज सिविल की तरफ अगर कोई काम करता है, सिविल मैटर डील करता है, तो उसको कहेंगे सिविल जज, और अगर क्रिमिनल मैटर वो डील करता है तो वो कहलाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सबसे छोटी अदालत है, सबसे छोटी, जिसमें सजा तजवीज, क्रिमिनल वो मैटर्स होते हैं जिसमें सजा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है जब उसके पास क्रिमिनल केस चलता है तो वो उस पर सजा तजवीज करता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या डायरेक्ट इस्तगासा कंप्लेंट भी आ सकती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, वो केस वहां पहुंचता है, या फिर कोई डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल होती है कोर्ट में तो उस पर जो है वो कार्रवाई होती है। अब ये होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी क्रिमिनल केस। अब इससे ऊपर जो होगा वो असिस्टेंट सेशन जज कहलाएगा। असिस्टेंट सेशन जज होता है और उसके बाद सेशन जज होता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ हम अपील जो फाइल कर सकते हैं वो सेशन जज के पास फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो अगर उसमें कोई पनिशमेंट हो जाती है या तो उसकी हम उसके खिलाफ जो है अगर कोई अपील करेंगे तो फिर हम सेशन जज में उसके खिलाफ अपील करेंगे। सेशन और इसके अलावा सेशन ट्रायल भी होते हैं, जरूरी नहीं कि अपील हम वहां करें। हर केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलता, कुछ केसेस होते हैं वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, और कुछ केस ऐसे होते हैं जो सेशन ट्रायल होते हैं। अगर वो केस सेशन ट्रायल है तो ऑफकोर्स वो सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के पास चलेगा और वो ही उसकी किस्मत का फैसला करेगा, उसको सजा तजवीज करेगा। अगर उसमें कोई होता है, कोई अपील करनी होती है, अगर फैसला सेशन जज का है तो फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। अब अगर आ जाते हैं दूसरी साइड सिविल जज। देखिए, सिविल जज एक तो सिविल मैटर के लिए होता है, दूसरा फैमिली जज भी होता है, वो जिससे फैमिली केसेस को इंटरटेन करेगा, जो फैमिली केसेस को वो करेगा अंडर सेक्शन 19 पाकिस्तान पैनल कोड। सिविल में सजा तजवीज नहीं होती है, याद रखें। सिविल में जज में जो डिग्री दी जाती है, जब किस केस का फैसला होता है, सिविल जज कोई फैसला करता है तो उसमें कोई सजा नहीं देता वो, बल्कि अपनी जजमेंट देता है और डिग्री पास करता है। और इसकी अगर हम अपील फाइल करते हैं, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीवीड है किसी भी फैसले से, तो हम उसके फैसले के खिलाफ अपील हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को फाइल करते हैं। अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और इसके अलावा कुछ केसेस सिविल के वो भी होते हैं जो डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन बनती है इसकी डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज के पास डायरेक्ट सिविल केस भी, फॉर एग्जांपल समरी सूट है, वो डायरेक्ट केस भी फाइल हो सकते हैं। इसके अलावा सिविल जज के अलावा ऊपर जो होता है वो सीनियर सिविल जज होता है। ये सिविल जज थर्ड क्लास होता है, और इसके अलावा सीनियर सिविल जज होता है। सीनियर सिविल जज के पास अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन भी होती है, जबकि कराची में खैर अनलिमिटेड नहीं है, बाकी इलाकों में अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होती है। सिविल केसेस जिसकी लिमिट अनलिमिटेड है, उस केस का फैसला सीनियर सिविल जज ही करता है, और उसके फैसले के खिलाफ भी अपील डिस्ट्रिक्ट जज को होती है। ये फर्क है सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यानी मजिस्ट्रेट और जज। जज दैट इज कॉल्ड सिविल जज, मजिस्ट्रेट मीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन जो क्रिमिनल केस डील करता है, जिसमें सजा तजवीज करता है। एंड अदर साइड सिविल जज मीन जो सजा तजवीज नहीं करता, जो कि जजमेंट और डिग्री देता है, फैसला करता है सिविल मैटर्स का। जबकि मजिस्ट्रेट के पास केस आते हैं पुलिस के थ्रू जो एफआईआर दर्ज होती है, जबकि सिविल जज के पास प्राइवेट पार्टी के केसेस आते हैं जो उस पर जजमेंट और डिग्री दी जाती है। ये बेसिक फर्क है मजिस्ट्रेट और सिविल जज में। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।